आयुर्वेद में गुड़हल यानी कि हिबिस्कस को बालों के लिए सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी के रूप में माना जाता है। इस सुंदर फूल में कई औषधीय गुण यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं तो हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल आपके लिए किसी दवा से कम नहीं है। इससे बालों से जुड़ी हर समस्या को दूर किया जा सकता है और कई रिसर्चेज में भी ये बताया गया है कि गुड़हल के फूलों से बालों की फॉलिकल्स को यानी कि बालों जड़ों को मजबूती मिलती है और गंजेपन को भी दूर किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना, स्वागत है आप सभी का गॉर्जियस यू में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दें। सिल्की लंबे घने बाल चाहिए तो बस इस तरह लगा लो हिबिस्कस और मेथी से बना हुआ ये हेयर मास्क। फ्रेंड्स, ये है आज के वीडियो का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज इस पैक को बनाने में जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो बालों की ग्रोथ में बेहतरीन काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इस हेयर पैक का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्याज यानी कि अनियन। प्याज बालों के लिए एक वरदान है। प्याज बालों के झड़ने और गंजेपन का चमत्कारी इलाज है। ये प्री मेच्योर ग्रेइंग यानी कि असमय होते सफ़ेद बाल जो कि आज के यंगस्टर्स की प्रॉब्लम हो गई है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ये बड़ी आसानी से दूर कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज का एक प्याज। हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अदरक यानी कि जिंजर। फ्रेंड्स, जिस तरह प्याज बालों को बढ़ाने और नए बाल उगाने में मदद करती है, ठीक उसी तरह अदरक भी यही काम करता है। अदरक भी स्कैल्प के डेड हेयर फॉलिकल्स में फिर से जान डाल देता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं और अब हम प्याज और अदरक को साफ़ करके ठीक से धोकर इनके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। फ्रेंड्स, इस हेयर पैक के लिए मुझे अदरक और प्याज का जूस चाहिए तो इसलिए मैं इसे अपने ग्राइंडर में डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं इसमें मिलाऊँगी जिससे ये इससे आसान हो जाए पीसना और इसको इस तरह से पीस लेंगे। अब बारी है इस अदरक और प्याज के पेस्ट को छानने की। तो इसको छानने के लिए मैंने यहाँ पे पतला सा कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें सारा ये पेस्ट डाल दें और इसकी मदद से कपड़े की हेल्प से हम इसे छान लेंगे। तो काफ़ी सारा जूस बनकर तैयार हो गया अदरक और प्याज का, इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं, ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस हेयर पैक का है मेथी दाना यानी कि फेन्युग्रीक सीड्स। दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स तो हमने देख ही लिए हैं, प्याज और अदरक, और तीसरा है मेथी दाना। दोस्तों, आप इस पैक में साबुत मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाउडर्ड घर का पिसा हुआ मेथी दाना लिया है, ये मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच पाउडर मेथी दाना। आप बाज़ार का पिसा हुआ मेथी दाना पाउडर है आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेथी बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है। मेथी में ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और निकोटेनिक एसिड होता है जो कि बालों को जड़ों से मजबूती देता है, जिससे बालों की टूटने की प्रॉब्लम, झड़ने की प्रॉब्लम रुक जाती है। फ्रेंड्स, जब बाल टूटना बंद हो जाएंगे तो हमारे बाल लंबे घने तो अपने आप हो ही जाएंगे। मेथी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। अब इस मेथी पाउडर को हमें भिगोना है जिससे ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो इसको भिगोने के लिए मैं पानी का यूज़ नहीं करूँगी, इसके लिए मैं इसमें जूस ऐड कर रही हूँ जो कि अभी हमने अदरक और प्याज का जूस बनाया था 1 कटोरी भर के, तो उसका 1/2 कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ। मेथी को हमें 4 घंटे के लिए इस जूस में भिगोना है जिससे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट टेक्स्चर में आ जाएगी। 1 घंटा हो चुका है मेथी को भीगे हुए, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कहीं सारा जूस इसमें एब्जॉर्ब तो नहीं हो गया और जूस डालना है कि नहीं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मेथी ने सारा जूस एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अभी हमें 3 घंटे और इसको भिगोना है, तो मैं बाकी बचा हुआ जूस भी इसमें मिला लेती हूँ और 3 घंटे के लिए इसे ढककर रख देंगे। जैसा कि आजकल काफ़ी गर्मी का मौसम है तो इसे आप बाहर ना छोड़ें, आप इसे फ्रिज में रखें। अगर आप इसे रात में भी बना रहे हैं तब आप इसको पूरी रात फ्रिज में ही रखें, बाहर बिल्कुल ना छोड़ें। तो अब पूरे 4 घंटे हो गए हैं मेथी को इस जूस में भीगते हुए, तो अब इसे मैं अपने ग्राइंडर जार में डाल लेती हूँ जिससे कि इसका थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। फ्रेंड्स, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको ग्राइंड किया है। इस पेस्ट को जार में ही रहने दें।
फ्रेंड्स, नाउ द स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ दिस पैक, ये है गुड़हल का फूल यानी कि हिबिस्कस का फूल। फ्रेंड्स, गुड़हल का फूल हमारे बालों को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। गुड़हल के फूल और पत्ते दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। गुड़हल के फूलों का जूस, फ्रेश फ्लावर्स का जूस अगर हम अपने सिर के उस हिस्से पर लगाते हैं जहाँ बाल जा चुके हैं, वहाँ बालों को दोबारा उगाने में ये मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी हमारे बालों को घना करने में भी सहायक होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6-7 गुड़हल के फूल और 10-12 गुड़हल की पत्तियाँ ली हैं। अच्छे से धो लें और इसके अंदर जो पत्तों में और फूलों में डंडियाँ हैं उन्हें अलग कर लें। हिबिस्कस के फूल और पत्ते अब हम इस मेथी पेस्ट में डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी जिससे मिक्सी चलाने में आसानी हो जाए। इसे अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ जिससे एक अच्छा सा बढ़िया सा एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। दोस्तों, हमारा हेयर पैक बनकर लगभग तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक ग्लास के बोल में निकाल लेती हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल इंग्रेडिएंट। ये है वर्जिन कोकोनट ऑयल एडिबल ग्रेड। इस रेमेडी में मैं यूज़ कर रही हूँ खाने वाला नारियल का तेल। फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करती हूँ आप इस पैक में वर्जिन कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करें क्योंकि ये प्योर होता है और एडिबल ग्रेड भी है। नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और घने भी हो जाते हैं। नारियल के तेल में पाए जाने वाले एसेंशियल फैटी एसिड्स और विटामिन्स बालों की जड़ों के आसपास जमा होने वाले सीबम को हटा देते हैं और ये बालों को हेल्दी बनाता है और उसकी एक्सट्रीम ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून्स मैंने इसमें ऑयल डाला है, नारियल का तेल इसमें मिक्स किया है। फ्रेंड्स, इस पैक को अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे आप नॉर्मल मेहंदी अप्लाई करते हैं उसी तरह से इसको लगाना है, या तो उंगलियों की हेल्प से या फिर किसी ब्रश की मदद से आप इस पेस्ट को अपने बालों में लगा सकते हैं। रूट्स में लगाएं यानी कि बालों की जड़ों में लगाएं और फिर पूरे बालों की लेंथ तक इसको लगा लें और साथ साथ अपने बाल रोल करते जाएं। 2 घंटे तक लगा रहने दें, फिर किसी अच्छे से हर्बल शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लें। फ्रेंड्स, आप इस पैक को 15 दिन में एक बार लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ बहुत सारे यूजफुल वीडियोज। तो जल्दी मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग गॉर्जियस यू, टेक केयर, बाय।